अस्सलाम वालेकुम, तमाम लोग कैसे हैं जनाब? मारो खान अगेन। तब्दीली महसूस होगी क्योंकि ये सुबह सवेरे वाली आवाज़ है और इसमें तब्दीली ज़रूर हुआ करती है। और इस वक्त जनाब मैं अपने गांव में हूँ, मॉर्निंग वॉक चल रही थी, मैंने कहा चलें थोड़ा सा शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। जनाब इस वक्त आप देख सकते हैं गांव का प्यारा सा मंजर। मैं बिल्कुल वेट कर रही हूँ कि सूरज निकले और उसको इंजॉय किया जाए, और मुझे लग नहीं रहा कि सूरज निकलेगा क्योंकि बादल हैं आसमान पर। लाइफ में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होता है ये हैंड पंप। ये आप देख सकते हैं जनाब, हैंड पंप से पानी निकाला जा रहा है और उससे आगे देखें वो जहाँ पे जो है वो भूसा इकट्ठा किया जाता है ना जानवरों के लिए, कुछ लोग सेल कर देते हैं, कुछ जानवरों के लिए रखते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और ये घर देखें आप जनाब, और इस वक्त जनाब मेरे कज़न ने मुझे आवाज़ दी कि आप वापस आ जाएं घर की तरफ। अब क्यों बुलाया इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रज़ा, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक। मुझे बताएं क्यों बुला रहे थे आप? कोई नहीं, नाश्ता करना है, ये अटकनी है, टॉक मोरी है। हाँ गाँव में जो है वो नाश्ता जल्दी किया जाता है, ये मुझे बताया कि ये अटकनी है, आप वापस आएँ और नाश्ता करें, है ना। ज़बरदस्त चाय, कड़क चाय। किसने हाई की है? मम्मा। मम्मा ने हाई की है? मम्मा को गुस्सा करें? मम्मा को डांटे? मम्मा को डांटे? ईद के लिए हलवा तैयार हो। शापर क्या होता है? शापर ते वे मन पर सारे से गन ना। अच्छा है कि साल तेज लग रही। अच्छा जरूरी नहीं शापर। ये केड़ा हलवा कहने पे? चकवाली मैदे चकवाली। अब हो रहा है जनाब जानवरों के खाने का इंतजाम, आप देख सकते हैं। और गाँव में जो है वो अभी तक ये ट्रेंड बाकी है कि बर्तन इसी तरह से सजा के रखे जाते हैं, और मुझे वैसे अपनी मामी के बर्तन बड़े पसंद हैं। और देखें कि छत इस तरह के होते हैं, और ये ब्यूटी बॉक्स देखिए आप, हाउ ब्यूटीफुल। और ये जो स्टील के बर्तन हुआ करते हैं गमी खुशी के लिए इस्तेमाल होते हैं, और आप ये देखें कि लोटे का स्टाइल चेक करें कि लोटे भी उस वक्त कितने प्यारे। अभी एक कज़न रेडी होकर जाने लगे हैं, और मैं देख रही हूँ गांव में सब ने मूछें बड़ी अच्छी रखी हुई हैं। ऐसन सामने आए ज़रा जी, ये ऐसन की मूछें आप चेक करें। ये मूछ नीचे हैं, मर्द को मूछ नीचे अच्छी लगती है, ऊपर लेकिन मैं तो देखती हूँ सब नहीं यूं की हुई होती। वो पागल है जो ऊपर रखते हैं, नीचे जो रखते हैं वो अच्छे हैं, वो उनको अच्छी लगती है। अच्छा जी, मर्द की मूछ नीचे होती है? नीचे होनी चाहिए। ओके, तमीज वाले मर्द की। अच्छा सोड़िया। अच्छा इस बकरी को देखते ही ना मेरे माइंड में पता नहीं क्यों यही डायलॉग आया, आप देखिए कि ये कितनी प्यारी लग रही है। और ये नन्ना मुन्ना जैसे एक होता है ना हीरो अपना टैलेंट दिखाने की कोशिश कर रहा होता है, ये देखें जनाब मेरे में ये टैलेंट भी है। वाह
जरा कैमरे के पास आओ दोस्त, इधर आओ, इधर इधर, यस बहुत अच्छे आ रहे हैं आप। जनाब इस वक्त दिन के तकरीबन 1 बज रहे हैं, खाना तो 10 बजे खा लिया था एंड अब सब जो है वो चाय का इंतज़ार कर रहे हैं। गांव में ऐसे ही होता है जनाब, आप लोगों को बताऊं कि गांव में जो है गोल्ड की बड़ी वैल्यू होती है। इस वक्त आप देखें कि ये कज़न ने ये 4 की 4 जो है ना रिंग्स पहनी हुई है। एंड दिस इज माई मोस्ट फेवरेट काउ। गांव के प्यारे खेत आप देखें और उस साइड पे क्लाउड है वो आपको दिखाते हैं। कहाँ गया जी क्लाउड, कहाँ गया? यस दिस, ये पिशावरी मुर्गा है। और अभी आपको अगर मैं अपना भाई दिखाऊं ना तो यहाँ आके जो है नेशनल मामू बन जाता है, जिसके बच्चे देखें ये खिला रहा होता है। हमने भी खैर ये टाइम गुजारा है, इनसे जानेंगे कि नेशनल मामू बन के आपको कैसा लगता है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको नेशनल मामू बन के कैसा लगता है? जी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इनकी जो अम्मियाँ हैं वो ज़रा काम भी कर लेती हैं और दुआएं भी दे देती हैं, ढेर सारा प्यार मिलता है उनसे और बच्चे भी खेल जाते हैं। देखें अब ये चुप करके बैठी हुई है, वैसे मम्मा को तंग कर रही होती है तो वो ज़रा उनकी मदद हो जाती है, तो अच्छा लगता है मुझे भी। अच्छा सी, मैं और मेरी कज़न यहाँ पर वॉक करेंगे और थोड़ा लेट हो गया, मेरा दिल था कि सूरज ग्रूब हो रहा था तो उसको हम रिकॉर्ड करते ना, लेकिन लेट कर दिया। खैर सबसे फेवरेट वाला बेबी दिखाती हूँ, ये वाला सबसे फेवरेट वाला बेबी है। और बेबी कहाँ जा रहा है, बेबी कहाँ जा रहा है, इधर आओ। अच्छा जी सूरज ग्रूब नहीं हुआ था, यस टू टू टू, आई एम सो हैप्पी। गांव में सूरज ग्रूब होने का और तुलू होने का जो मंजर होता है ना वो मुझे बहुत पसंद है। और अभी अब मैं भाई से कह रही हूँ प्लीज ले जाओ मेरे वाल वाले डैम पे, मैं रोज ले जाओ ना, ले जाओ ना। बस मोटरसाइकिल की चाबी मंगवाते हैं फिर जाते हैं। किसके पास है चाबी? रजक पास है। चलो ठीक है। ये हो गया हमारा डिनर टाइम जो कि एग्जैक्टली मगरिब के बाद हो जाता है, लेकिन 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 पिक्चर अभी बाकी है। नेक्स्ट जो पार्ट 2 है वो भी आपने ज़रूर देखना है। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।